ओ भाई साहब, भाई मम्मी लग जा यार, लग जा। अबे तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकेश आपका स्वागत करता हूं बिग रॉक्स गेमिंग में। तो दोस्तों, ये है अपना GTA 5 का एपिसोड नंबर 3। एंड जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि भाई यहां पे माइकल का दो हम लोगों ने मिशन कंप्लीट किया था। एंड यहां पे हुआ यू था लास्ट एपिसोड में कि हम लोग गए थे माइकल के घर पे। एंड माइकल के घर पे जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसका एक बेटा है जिसका नाम जिमी है, उसने बहुत ज्यादा बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। प्रॉब्लम यू था कि वो याच, जो माइकल का पर्सनल प्राइवेट याच है, वो लेके गया था बीच पर, और बीच पर कुछ गुंडों ने उससे छीन लिया और उसको भी पकड़ लिया। एंड उसके बाद पैसे मांगने लगे। तो उसके बाद जिमी ने कॉल किया अपने पापा यानी कि माइकल के पास में। एंड माइकल उसके बाद बताने मतलब बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ। एंड फ्रैंकलिन और माइकल निकल गए उस याच को मतलब छुड़ाने के लिए। लेकिन भाई उसके बीच में ही बहुत ज्यादा मस्त थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो गया था। एंड उसी चक्कर में जो लोगों ने मतलब जिमी को पकड़ा हुआ था, उसके दो बंदे मारे गए थे। आई थिंक सो दो बंदे थे, हाँ दो बंदे मारे गए थे। लेकिन भाई लास्ट टू लास्ट याच जो है छूटा नहीं। वो एक बंदा जो ट्रक चला रहा था, वो भाई बहुत ज्यादा मस्त प्रो मतलब ड्राइवर था भाई, लेके भाग गया। वो हैवी ड्राइवर निकला वो तो। लेकिन कैसे भी करके जिमी का जान बच गया, फ्रैंकलिन का भी बच गया। फ्रैंकलिन का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट एपिसोड में देख लेना तो मालूम पड़ जाएगा क्योंकि मतलब क्यों फ्रैंकलिन की जान बच गई है। एंड कैसे भी करके हम लोग घर पे आ गए थे। फ्रैंकलिन जाने ही वाला था कि भाई माइकल को एक और पता नहीं क्या धुनक चढ़ गया कि वो गया एक कोच जो उसके घर पे आता था। कोच आता था बैडमिंटन का, साथ से टेनिस कोच था कि बैडमिंटन कोच था, वो आता था उसके घर पे, गया उसको पीछा किया और वो एक घर में छुप गया। वो जाती है उसका घर ही गिरा दिया। एंड लास्ट में मालूम पड़ता है कि भाई वो घर उसका था ही नहीं, वो किसी मार्टिन मद्रासो का घर था जो लॉस एंटोस जिस सिटी में ये लोग रहते हैं, उसका बहुत बड़ा गैंग लीडर है वो, एक गैंग का लीडर है वो। तो भाई वहां पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। अभी चलते हैं नीचे। फ्रैंकलिन अभी यहीं पे घूम रहा था और इसके हाथ भाई एक घर से देख रहे हो, घर के गैराज में एक गाड़ी खड़ी थी, ये उठा लाया। और भाई क्या ही प्यारी गाड़ी है, देख रहे हो मस्त एकदम रेसिंग वाली गाड़ी है। और यहाँ पे अपने को मिल गई है। अभी इसको लेके जाने वाले हम लोग फ्रैंकलिन के घर पे खड़ी करेंगे। देख रहे हो ईट वीट गिरे हुए है। अभी फ्रैंकलिन का घर भी यहाँ से बहुत ज्यादा पास में ही है, तो यहाँ पे यहाँ बस थोड़ा सा ही दूर पे ही है, तो मैं गैराज में इसको खड़ा करने वाला हूँ जल्दी से। एंड निकलते हैं अभी फ्रैंकलिन के घर के तरफ। भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी है यार, थोड़े से ही मतलब स्पीड पे बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड पकड़ ले रही है। मतलब एक्सेलेटर पे थोड़े से एक्सेलेटर दबाओगे ना, बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड पकड़ ले रही है। और एक ये भंगार सब फ्रैंकलिन के लिए गाड़ी रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ से फ्रैंकलिन ने चुरा के लाया, किसने दे दिया इसको। मैं आया तो घर पे इसकी खड़ी थी भाई, ये अच्छा था। और यहाँ पे आगे का कांच भी इसका टूट गया है, कोई नहीं अभी इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसका अच्छे से मरम्मत करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी कराने वाला हूँ एंड अच्छे से करा देंगे। और कुछ सरप्राइज भी है यहाँ पे, वो मैं इसके मतलब लास्ट में आपको बता ही दूंगा जरूर। लेकिन यहाँ पे कुछ एक मिशन के तरीके से है तो वो देख लेते हैं फ्रैंकलिन का। ओ भाई साहब, तो ये क्या चल रहा है फ्रैंकलिन के घर पे। भाई इसकी चाची है और उसके किटी पार्टी चल रही है, देख रहे हो। I don't wanna know. अच्छा? What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Frank, भाई, what are you doing here? हाँ सही है, उसका ही घर है और वो क्या कर रहा है यहाँ पे। Anyway, भाई जाने दे यार, भाई जाने दे। My femininity. So make yourself scarce, boy. Go. हाँ ठीक है भाई, जा रहे जा रहे जा रहे। भाई औरतों के चक्कर में पड़ने का नहीं यहाँ पे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो। भाई फ्रैंकलिन के घर से ही फ्रैंकलिन को भगा दिया यार, उसकी चाची और कुछ लोग मिलके किटी पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। आंटी ये कौन आ गया। अच्छा ओ भाई साहब, क्या ही पुपट किया फ्रैंकलिन ने इसका यहाँ पे। अच्छा ये दोनों इसके दोस्त हैं, मतलब ये जो ग्रीन कलर का एकदम टी शर्ट पहना है ये खास दोस्त है इसका, एंड ये ग्रीन कलर वाले का दोस्त है ये। तो देखते भाई यहाँ पे क्या करने आए ये लोग। ओ भाई साहब, ये दोनों आए हैं फ्रैंकलिन से मतलब दोस्ती करने के लिए। जो दूसरा वाला बंदा है व्हाइट कलर का टी शर्ट जो पहना है, वो एक तरीके से इसका दोस्त ही थे ये लोग। लेकिन ये दोनों पता नहीं कहाँ पे बिछड़ गए, मतलब बहुत दूर चला गया था वो, अभी बहुत ज्यादा मतलब अमीर बन के आया हुआ है वो। एंड भाई यहाँ पे बोल रहा है फ्रैंकलिन तुम भी अमीर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए अभी मैं लेके चल रहा हूँ तुमको कुछ दोस्त के पास में, वहां पे जाना होगा। और उसके लिए ये लोग दोस्त के पास जा रहे हैं अभी ये लोग।
एंड उन दोस्तों के पास मिलने से पहले हम लोग एम्यूनेशन सेंटर पे जा रहे हैं। एंड एम्यूनेशन सेंटर पे जाने से पहले मैं यहाँ पे अपना कार चेंज करूंगा। एंड भाई आ जा, उतर जा, चल बढ़िया ही भाई। वो भंगार गाड़ी, ओ भाई उतर ही नहीं रही है, यहाँ पे देख रहे हो फ्रैंकलिन पकड़ के खींच रहा तभी भी नहीं। एंड चलो तो ये ओ भाई अच्छा वो बैठा के नहीं, वो बंदा भाई बैठ रहा था तभी मैंने स्पीड दे दिया था। कोई नहीं, अभी हम लोग चल रहे हैं एम्यूनेशन सेंटर पे क्योंकि अपने को थोड़ा से गन्स विंस खरीदने। वैसे भी अपने पास गन है यार, ऑलरेडी गन है यहाँ। ओ भाई मैं गलत ले लिया नहीं, ठीक है चलो अच्छा ठीक है, इसी रास्ते से जाना है। वो येलो डॉट जो है ना अपने को वहां पे जाना है। तो कोई नहीं, मैं जल्दी से पहुंच जाता हूँ यहाँ पे। आ गए हम लोग ए यहाँ पे, तो मैं जल्दी से अपना यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देता हूँ एंड चलते हैं अभी एम्यूनेशन सेंटर में। तो यहाँ से मैं ढेर सारा भी एमओ खरीदने वाला हूँ क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, नया बंदे पास लेके जा रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे भाई साहब इतनी ढेर सारी गन, मेरे पास तो शॉर्ट गन है आई थिंक सो, हाँ शॉर्ट गन है और एक पिस्टल है मेरे पास में, लेकिन शॉर्ट गन की एमओ बहुत कम है तो मैं शॉर्ट गन पिस्टल नहीं लेने वाला भाई, पिस्टल नहीं चाहिए मुझे। ठीक है तो यहाँ पे ये शॉर्ट गन रखा है भाई, AK-47 लेने वाला, लेकिन इसका कॉस्ट कितना है, $1400 है क्या इसके पास? ठीक है $3100 है, हाँ ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको बाय कर लेता हूँ मैं एंड थोड़ा सा इसका एमओ में ले लेते हैं मैं। तो फ्रेंड्स कोई नहीं, हम लोग ने यहाँ पे ढेर सारे एमओ भी ले लिए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे AK-47 हमने ले लिया है, इसका 210 एमओ लिया है एंड उसमें थोड़ा सा ग्रिप भी लगवा दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे 3 ग्रेनेड ले लिया है एंड शॉर्ट गन का भी हमारे पास में थोड़े से एमओ ढेर सारे ले लिया मैंने। एंड यहाँ पे मैंने आर्मर भी अपने ले लिया भाई, क्योंकि अगर गन विन खरीद रहे तो हमें भी जरूरी है। गो टू बाय एम्यूनेशन एंड बाय अ फ्लैशलाइट मॉड फॉर शॉर्ट गन। ओ भाई साहब यार ठीक है मैं देख लेता हूँ, ठीक है ले लेता हूँ यार, इतना क्या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब 472 का, यहाँ पे सिर्फ 325 अपने पास मतलब डॉलर बचे है बस भाई। ठीक है कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा पैसों की, लेकिन माइकल के पास बहुत पैसे है यार, बहुत मतलब बहुत। गो टू द मीटिंग एट द रिसाइकलिंग प्लांट, ठीक है अपने पास येलो डर्ट मिल जाएगा तो वहां पे जाना रहेगा। कुछ मैं देख लेता हूँ मैप अपना, यहाँ पे जाना है। ठीक है तो यहाँ पे अपने निकलते जल्दी से। ओ भाई साहब लगता है हम लोग यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे भाई ये लोग कुछ डील करने हुए आए हैं। वो जो व्हाइट वाला बंदा है ना भाई, व्हाइट कलर का टी शर्ट पहने हुए, वही लेके आए। दोनों का पता नहीं क्या नाम है यार, नाम भी नहीं पता अभी मुझे इन लोग का। भाई फ्रैंकलिन का दोस्त है, पता नहीं क्या नाम है इन लोग का। ठीक है तो हम लोग आ चुके हैं, अभी अपने को शायद से यहाँ से अंदर जाना होगा। अच्छा ठीक है तो ये बंदा लेके जा रहे हैं अंदर अपने को। ओ भाई साहब दरवाजा खुला है। ओ भाई साहब ये बंदा तो भाई लग ही रहा है भाई आतंकवादी ऐसा लग रहा है ये पहले तो देखने में ही भाई साहब। ओ भाई यहाँ पे माहौल कुछ बिगड़ गया है। ठीक है भाई फ्रैंकलिन इसको पहले से ही जानता है, बोल रहा है कुछ तो इसने गड़बड़ भी किया था, कुछ तो गलत किया है। ओ भाई ये क्या चल, ये क्या हुआ? ओ भाई साहब फ्रैंकलिन से बदला लेने के लिए उसने अपने नीचे आदमी बुलाया, डीलिंग का सिर्फ नाटक किया उसने। ओ भाई साहब ये क्या, ओ खतरनाक ही सीधा हेडशॉट, ये सही था। अबे अबे पागल आदमी चल इधर से। ओ भाई साहब और लोग आ गए, मुझे कवर लेना पड़ेगा, कवर ले लेता हूँ मैं। ओ भाई साहब गन ले ले यार, गन क्यों हटा दे तूने? ठीक है इसको तेरी भैंस की टांग, चल भाई इन लोग का गन ले लेते हैं हम लोग जल्दी से। भाई सब ने रिवॉल्वर लेके आया यार, क्या ही गन लेंगे इन लोग से। हम लोग जल्दी चलते भाई, वो लोग बहुत, वो लोग नीचे जा रहे और हम लोग यहीं पे खड़े हैं। ठीक है ओ भाई साहब, भाई लग जा अबे ये क्या हो गया यार। अच्छा लमार डाइड, ओके तो अपना एक दोस्त था ग्रीन कलर वाला, उसका नाम लमार है। ठीक है तो चलेगा, यहाँ पे लमार मर गया, फिर से अपने को क्रिएट, फिर से जल्दी से चलना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से यहाँ वालों को क्लियर करता हूँ, तेरी भैंस के टकले चल। अबे मैं नहीं मरना चाहिए बस इन लोग को बचाने के चक्कर में। वो भाई साहब थोड़ा सा उसका हेड दिख, नहीं चल उसका हल्का सा टकला दिख रहा था, मैंने टकले में ही बजा दिया उसके। भाई इस बार लमार तुम मरना मत, भाई मरना मत, मुझे हारना नहीं है। हाँ पहले बता दो मिशन जल्दी से क्रिएट कर, मतलब कंप्लीट करना मुझे। ठीक है भैंस के चल, आया बड़ा लमार को मारेगा। अबे नहीं रीलोड, अच्छा वो मैंने यहाँ आर्मर पहन के आया, नहीं तो भाई अपना खत्म हो जाता था पूरा सीन ही। ठीक है वो तेरी भैंस की टांग, चल बड़ा आया। मैं कवर लेता हूँ भाई, इससे पहले मैं मर जाऊं
मैं कवर ले लेता हूँ। ओ भाई साहब कवर में रह रहे के मारता हूँ मैं। चल बड़ा आया एक बंदा फिर से मारा। तेरी भैंस को टांग झुक के मार रहा है यार ये तो। चल बड़ा आया। चलो 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 यहाँ पे क्लियर हो चुका है, मैंने सारा क्लियर कर दिया। चल आता हूँ। चल आ जा तुम लोग पीछे पीछे कर। अबे तुझे क्या भाई यहाँ पे मार पीट चले तू खड़े हो गए यहाँ पे मजे ले रहे। ये सही था। अबे अबे कहाँ जा रहे भाई, भाई सबको मैं ही मार रहा हूँ, तुम लोग भी किसी को मार लो यार। भाई साहब इन लोग से गन अच्छा खासा AK-47 देख रहे हो इन लोग ने लिया। अपने को एमओ मिलता रहेगा। हाँ एमओ मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही एमओ मिल रहा है लेकिन मिल रहा है तो कोई नहीं। अभी यहाँ पे फिर से ओ भाई साहब मुझे अच्छा मेरे पास ग्रेनेड है ना, मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ। रुक जा मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ। अभी बारी आ गई AK-47 चलाने की। चल बड़ा आया। भाई साहब यहाँ पे आग भी लग गई, अपने को जल्दी से निकलना पड़ेगा तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन पहले भाई यहाँ पे पुलिस भी आ गई है। भाई इतना तेरी भैंस के टांग, तुम लोग पुलिस नहीं डर लग रहा है? वहाँ पीछे पुलिस आ रही है, तुम लोग यहाँ पे हम लोग को मारने आ रहे हो। ये सही है। एंड यहाँ पे साथ ये मेन गेट है, मेन गेट है बाहर जाने का। मैं देख लेता हूँ कौन है। ओ भाई साहब पुलिस के हेलीकॉप्टर भी आ चुकी है भाई। अब जल्दी जल्दी अपने को निकलना पड़ेगा यहाँ से। मैं जल्दी से पहले इस हेलीकॉप्टर को निकालता हूँ। चल बड़ा आया। अबे नहीं यार ये क्या भाई, इसका एमओ ही खत्म होता रहता है। ओ भाई गया गया हेलीकॉप्टर का पायलट गया। अभी जल्दी से अपने को निकलना पड़ेगा यहाँ से जंकयार्ड से। तो ये जंकयार्ड है। ओ भाई ये लोग देख रहे हो यहाँ पे, इन्होंने निकलना भी चालू कर दिया। अपने को जल्दी से निकलना है भाई, चढ़ जल्दी से। एक हेलीकॉप्टर और आ गई, एक हेलीकॉप्टर और आ गई है। एंड यहाँ पे अपने को इसको भी बजाना चालू करता हूँ। मैं देखता हूँ भाई जल्दी जल्दी निकल 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 जल्दी से भाई। इसके भी पायलट को मैंने बजा दिया। अब जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से निकलते हैं भाई, भाग ले जल्दी से। यहाँ पे पुलिस आई है, 3 स्टार की पुलिस अपने पीछे पड़ चुकी है। जल्दी से चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। गाड़ी खड़ी, वो देखो सामने गाड़ी खड़ी है। मैं जल्दी से इससे पीछे निकलता हूँ। भाग इधर से भाग रैंडी, खड़े हो के तुम लोग। आ जा भाई आ जा, जल्दी जा जल्दी जल्दी जल्दी। बैठ 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 भाई बैठ बैठ। अपने को निकलना जल्दी से। चल बड़ा आया भाई, अपने को जल्दी से यहाँ पे निकलना पड़ेगा अभी। ओ भाई साहब क्या ही भंगार गाड़ी मिली है यार अपने को। एक हेलीकॉप्टर और आ चुकी है अपने पीछे। मैं जल्दी से निकलता हूँ, भागता हूँ यहाँ से। ओ भाई साहब यहाँ पे तो कहीं पे तो आ चुका हूँ मैं यहाँ से। भाई हो सकता है पुलिस ना आए यहाँ पे भाई। बस कोई कांड मत करना, बस कोई भी कांड नहीं करे यहाँ पे, नहीं तो भाई पुलिस आ जाएगी। अबे नहीं 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 नहीं, नहीं पुलिस आई आई आगे 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 ऐसे देख लेगी अपने को। नहीं 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 देख पाई, नहीं देख पाई इस भंगार से जगह पे। आज भंगार से नहीं जगह, मस्त जगह है यहाँ पे छिपने लायक। ओ भाई साहब हम लोग ने लॉ भाई, पुलिस अपने पीछे भाग चुकी है, मतलब अपने पीछे नहीं है यार। तो हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। एंड ये जो रास्ता अपने को येलो वाला फिर से दिखा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे निकलते हैं। पहली बात तो ये गाड़ी पूरी तरीके से भंगार होने के बावजूद भी भाई 100 का भाई ये दे रही है, मतलब स्पीड दे रही है, ये काफी है अपने लिए। तो मैं जल्दी से अभी शायद से मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया, तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं इस जगह पर। एंड यहाँ पे अपनी वाली व्हाइट वाली गाड़ी भी खड़ी, मतलब पता नहीं कहाँ गई है। और अपने अच्छा हुआ भाई वो पर्पल पिंक कलर वाली गाड़ी अपने पास में है, मुझे तो लगा वो भी गायब हो जाएगी। अब ये लोग जा रहे हैं अपने अपने घर पे। यहाँ पे भाई ये व्हाइट वाले ने तो फंसा ही दिया था अपने को पूरा पूरा। अच्छा भाई ठीक है, तो ये लोग निकल रहे भाई, निकल ही जाओ तुम लोग, काफी है तुम्हारे लिए। यहाँ पे शायद अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है, एक नंबर यहाँ पे मिशन अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फ्रैंकलिन को यहीं रहने देते हैं, अभी चलते हैं आप लोग माइकल के पास में। हाँ ठीक है माइकल के पास में चलते हैं, क्योंकि माइकल के पास में अपने लिए कुछ है यहाँ पे। तो आज आप लोग को एक नया चीज देखने को मिलेगा। एंड मैं इसको यहाँ पे सुला देता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं माइकल के पास में, और माइकल देख रहे हो यहाँ पे क्या ही खतरनाक तैयार व्यार हुआ है भाई, गॉगल्स वगल्स लगा के ले बच्चे। और यहाँ पे आया हुआ है, एक कोई होटल में आया हुआ था यहाँ पे चिल करने। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं एक शोरूम में,
मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो शोरूम का एड्रेस कुछ यहाँ पे है लोकेशन, हाँ आई थिंक सो यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे पहुंच जाता हूँ मैं जल्दी से, तब उसके बाद आपसे मिलता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि मैंने क्या मतलब जुगाड़ किया है, किस चीज के लिए मैं शोरूम जा रहा हूँ। एंड देख रहा हूँ भाई किसका भी गाड़ी मतलब हाथ लगाओ तोड़ो फोड़ो निकालो उसके बाद चलो, चाबी भी चाहिए ही नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे किसी बात का डर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ उठाओ चलो निकल लो अभी चलो। हम लोग को क्या करना है भाई, माइकल फंसेगा और कुछ नहीं। ओ भाई साहब हम लोग आ चुके हैं तो यहाँ पे ही अपने को आना था। एंड ये है आस्क अबाउट ट्रेड इनसाइड इनसाइड इनसाइड, एंड ये है प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट्स। ठीक है तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे भाई, ये कार भी लेने तो नहीं आए हैं बल्कि ये लेने आए हैं भाई। हम लोगों ने अभी जस्ट एक डुकाटी बुक की है अपने फ्रैंकलिन दोस्त के लिए भाई, उसने लास्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा मदद की थी माइकल की, इसलिए माइकल ने यहाँ पे उसको गिफ्ट देने के लिए एक बुक किया है भाई साहब, खतरनाक वाला डुगाटी बाइक यहाँ पे बुक किया। मैं यहाँ पे भाई ट्रेलर लाके लेने वाला था लेके जाने के लिए, लेकिन मैं अभी इसको खुद से चला के लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से जो माइकल का घर मतलब फ्रैंकलिन का घर जो है ना वो बहुत ज्यादा नजदीक है। यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे ही है इसका घर, फ्रैंकलिन का जो घर है यहाँ पे है, इसके वजह से मैं यहाँ पे अभी इसको जल्दी से बाइक को लेके जाने वाला हूँ। एंड क्या ही खतरनाक कलर भी है यहाँ पे, गोल्डन प्लेट करके है, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो, ओ भाई साहब ये क्या देख रहे हैं पागल आदमी, ब्लू कलर की एकदम जच रही है। और इसको अभी मतलब थोड़ा सा जो है इसको जो है क्या बोलते हैं यार उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करानी है भाई फाइनली याद आ गया, थोड़ी सी इसको मॉडिफाई करानी है। और भाई यहाँ पे बाइक चला रहे हो तो जरूरी है हेलमेट पहनना इसके लिए, तो मैं अभी जा रहा हूँ माइक फ्रैंकलिन के घर पे। एंड फ्रैंकलिन के घर पे इस बाइक को मतलब डिलीवर करने के बाद, अभी फ्रैंकलिन मालूम है घर पे रहेगा कि नहीं रहेगा, तो डिलीवर करने के बाद हम लोग उसको थोड़े पैसे भी दे देंगे ताकि ये थोड़ा मॉडिफाई करा ले इस गाड़ी को। एंड जो उस गाड़ी को मतलब यहाँ पे जो गाड़ी खरीद मतलब वो उठा के लाया था ना, उस गाड़ी के लिए भी पैसे दे देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है वो फ्रैंकलिन जो है। एंड यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है तो फ्रैंकलिन के घर पे जाने के लिए, आई थिंक सो यहीं कहीं से है, हाँ यहीं कहीं से तो है, हाँ यहाँ से है, अच्छा ये रहा फ्रैंकलिन का घर। तो मैं अभी फ्रैंकलिन के घर पे ये खड़ी करके जाने वाला हूँ, ये देखो फ्रैंकलिन के घर के पास भाई, यहाँ पे फ्रैंकलिन ने उसका गैराज बंद करके रखा है माइकल के लिए भी। ठीक है कोई बात नहीं, इसका गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, फ्रैंकलिन को कॉल करके बता दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो है तुम्हारा गाड़ी पहुंच चुका है, तो मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर लेता हूँ पहले। ठीक है दोस्तों यहाँ पे फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, फ्रैंकलिन बोला कोई नहीं यहाँ पे, और उसको मैंने ऑनलाइन ही पैसा जो है वो भी ट्रांसफर कर दिया, गूगल पे चलता नहीं है वहाँ पे, उसके पास है नहीं गूगल पे, इसके वजह से मैंने वैसे ही ट्रांसफर कर दिया। इसके पास एक पिस्टल ही है बस, तो कोई नहीं अभी फ्रैंकलिन आएगा और ये गाड़ी देख के चला जाएगा और मतलब लेके जाएगा मॉडिफाई कराने के लिए, और उसको पैसे भी दे दिया मैंने। एंड अभी जल्दी से निकलता हूँ मैं यहाँ पे, गाड़ी एक पकड़ता हूँ भाई, आजा आजा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अबे चढ़ाएगा क्या वैंडी, अगर चढ़ा रहा तो भाई तुझे गन से मारता था मैं, चल अभी भाई साहब यहाँ पे उतरते उतरते गिर भी गया, ये मारेगा मारेगा, ले मार ले ले मार ले, मार 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 मार, तेरी भैंस की टांग। अब यहाँ पे फिर से पुलिस लग गई भाई इस चक्कर में, और ये कहाँ जा रहे भाई, तेरे साथ ही था ना वो बंदा, तुझे भी रुक जा निपटाता हूँ मैं, हाँ चल लड़ा है। और पुलिस से तो अपन बाएं हाथ का खेल है, अपन बच जाएंगे फट से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पुलिस वालों को हम लोगों ने फंसा दिया है, आई थिंक सो अब यहाँ पे ऊपर नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक पुलिस वाले की गाड़ी आ रही है। ओ भाई साहब नहीं 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 भाई, ओ बच गए बच गए बच गए, यहाँ ऐसे जगह पे आप जाके मतलब अगर आपको पुलिस यहाँ पे पकड़ने मतलब आपको वांटेड लिस्ट में चले जाते हो आप, तो कहीं यहीं ब्रिज के नीचे या कहीं पे ट्रेन के पटरी के अंदर यहाँ पे कहीं पे चले जाओ, तो भाई कोई नहीं आपको पूछेगा। ये तो भाई स्टार्टिंग जगह पे आ गया यार, ये सही है भाई यहाँ पे तो सही है अपना, लेकिन स्टार्टिंग जगह पे जो आए थे वहां पे चढ़ने का, अच्छा है मुझे लगा भाई यहाँ पे सीढ़ी ही नहीं है। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे फिर से आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भाई आज बहुत ज्यादा मजा आया है, हम लोग ने एक फ्रैंकलिन का पूरा मिशन भी कंप्लीट किया जिसके अंदर बहुत ज्यादा बूम बम एकदम बस बंदूक के अंदर चली है। एंड इसके अंदर एक बार अपना दोस्त भी मारा गया था लेमार, उसके बाद हम लोगों ने माइकल ने फ्रैंकलिन के लिए एक गाड़ी भी उसको गिफ्ट की है, और फ्रैंकलिन ने उससे पहले ही एक कार भी चुरा के लाई थी भाई, ये सही था चुरा के लाई थी, मतलब वो बाहर कहीं गाड़ी पे खड़ी थी रोड पे खड़ी थी उठा लिया उसने, वो भी अभी मॉडिफाई करना है नेक्स्ट एपिसोड में। एंड उसके बाद अपना जो बाइक माइकल ने गिफ्ट दिया है
वो भी मॉडिफाई करना है। तो कोई नहीं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वो भाई साहब जाने से पहले प्लीज जो नीचे रेड वाला बटन है भाई उसको दबा दो और उसको ग्रे कर दो, और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना भूलना मत भाई। ये सब फ्री है यार, आप फ्री में कर सकते हो, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज चैनल मतलब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक भी कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आस पास प्यार बांटते रहिए।